अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्किन केयर के ऊपर एक वीडियो। तो आज मैं बताऊँगी आपको घर के ही कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करके आप कितने अच्छे से निखर सकते हैं। तो बस ये घरेलू नुस्खे हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ और बहुत ही ईजी रेमेडी है, मैं आप लोगों के सामने ही यूज़ करने वाली हूँ। मेरी जो स्किन है वो बहुत ही सेंसिटिव है तो मैं आप लोगों के सामने ही ये पूरा रिजल्ट शो करूँगी और पहली बार मैं आप लोगों के सामने ही अप्लाई करने वाली हूँ। ये स्किन वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, टाइटनिंग और लाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आपकी स्किन की किसी तरह की भी प्रॉब्लम होगी इससे सॉल्व हो जाने वाली है। तो आप एक बार ही यूज़ करोगे ना तो आपको रिज़ल्ट समझ में आएगा। तो मेरे कहने पर आप ज़रूर इसको यूज़ करके देखिएगा। इवन बॉयज़ वो भी यूज़ कर सकते हैं इसको। बहुत ही अच्छा मैं एक स्क्रब बताने वाली हूँ एंड देन एक फेस पैक बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको पार्लर भागने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपको कहीं फंक्शन या किसी ओकेजन में जाना हो। तो चलिए मैं आप चलिए शुरू करने वाली। तो यहाँ पर सबसे मैं ले रही हूँ एज़ यूजुअल बॉल, उसके बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसमें मैं यहाँ पर डालूँगी 2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। जी हाँ, कॉफ़ी पाउडर जो कि स्क्रबिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल है, इससे चेहरे में चमक आती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ शुगर। इसको पाउडर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, शुगर को आप ऐसे ही शुगर डाल सकते हैं ग्रैनुल्स। तो यहाँ पर शुगर को भी मैं 2 टीस्पून लूँगी। इससे आपके चेहरे पर चमक आएगी, जो भी डेड लेयर्स है वो सब निकल जाती है इससे, ठीक है। आपके चेहरे को स्मूथ बनाता है और स्क्रबिंग के लिए बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कोकोनट ऑयल, जो सबके घर में रहता ही होगा नॉर्मली। तो बस इसको भी मैं 2 टीस्पून यहाँ पे डालने वाली हूँ और इससे क्या होगा, आपके स्किन पे बहुत ही स्मूथ सा टेक्स्चर आएगा। और उसके बाद स्किन ब्राइटनिंग, मॉइस्चराइजिंग, एजिंग की जो भी प्रॉब्लम होती है या फिर झुर्रियाँ रिड्यूस करनी हो तो इसके लिए हम कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। और यहाँ पर नींबू का रस मैंने आधे से कम लिया है क्योंकि मेरे चेहरे पर नींबू रिएक्ट करता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा लिया है। अगर आपके चेहरे पर नींबू अच्छा वर्क करता है तो आप पूरा आधा नींबू का रस ले सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ आधे से कम रस लिया था। तो बस यहाँ पर इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखा, घरेलू से नुस्खा है, घर में ये चीज़ें सबके घर में अवेलेबल रहती है, आसानी से मिल जाती है। बस अपना फ्रिज खोलना है और निकालना है और इस तरह से बना लेना है स्क्रब। तो लेमन जूस में क्या होता है, विटामिन सी होता है, ये बेनिफिशियल होता है वाइटनिंग के लिए। जो भी आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं या फिर पोर्स आपके बंद है वो ओपन हो जाते हैं, लाइटनिंग के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं आपके चेहरे पर। तो बस यहाँ पर इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेना है इसका। और इसके बाद हम इसे जेंटली अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर इसको अच्छे से स्क्रब करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने हाथों पर आपको स्क्रब करके दिखाऊंगी क्योंकि मुझे अभी श्योरिटी नहीं है कि फेस पर भी कैसा वर्क करेगा, इसीलिए सबसे पहले मैं हाथों पर आपको आपके सामने क्योंकि कर रही हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ और ये चैलेंज है मेरा, देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है, ठीक है। एंड तक बने रहिएगा। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मेरे चैनल पर आती है इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स, किचन ट्रिक्स भी आती है, फेस के लिए भी आता है और डेली व्लॉग्स भी आते हैं और मोटिवेशनल वीडियोस भी आती है। तो देखिए जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बस यहाँ पर मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए इसी तरह से जेंटली अपने हाथों पे, मैं तो अभी हाथों पे कर रही हूँ। अगर आपको टेस्टिंग करनी है आप अपने हाथों पे अप्लाई कर सकते हैं, बट ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है तो आप डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये घर के नुस्खे हैं तो कुछ भी इसमें कोई प्रॉब्लम, आपको कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है किसी भी चीज़ से। तो यहाँ पर अच्छे से इसको हम लोग मसाज करेंगे, स्क्रब करेंगे जैसे कि किया जाता है और जेंटल करना है क्योंकि इसमें क्या होता है, शुगर की ग्रैनुल्स हैं तो वो क्या होता है ना, कभी कभी आपके अगर आप टाइट उसे हार्ड उसे वो करोगे ना स्क्रब तो क्या होगा ना, आपके चेहरे पर रेडनेस आ जाएगी। तो इसको कभी भी हार्डली आपको स्क्रब नहीं करना है, हमेशा से 5 to 10 minutes के लिए हमने अच्छे से स्क्रब कर लिया है इसको। और उसके बाद जाके हम लोग हैंड वॉश करके आएंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाती हूँ कि क्या रिजल्ट निकला है इसका। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो यहाँ आ चुकी हूँ मैं हैंड वॉश करके और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपके सामने है रिज़ल्ट। मैंने इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है,
कोई फाउंडेशन या कुछ भी नहीं अप्लाई किया, साथ में है आपके, देख लीजिए आप कितना ज़्यादा असर दिख रहा है आपको एक बार में, एक बार के अप्लाई में। और ये आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 बार करेंगे तो क्या ही बात हो जाएगी। तो आप देखिए क्या लग रहा है ना, एकदम चमक उठा है। और सिर्फ अभी स्क्रब किया है मैंने, अभी फेस पैक तो बनाया ही नहीं है। तो नेक्स्ट आता है फेस पैक के लिए। फेस पैक के लिए बॉल ले लिया है, विदाउट बॉल तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसमें मैंने डाला है बेसन 2 टीस्पून। बेसन बहुत ही नेचुरल क्लिंजर है, सबको पता है बेसन हर के घर में इजीली अवेलेबल रहता है और सब लोग फेस पैक में ये यूज़ भी करते हैं, तो ये सबको मोस्टली सूट हो जाता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा। यस, गेहूं का आटा ये क्या करता है, कलर क्या फेयर करता है, आपका जो टोन होता है ना उसको और लाइट करता है, कलर को बहुत अच्छे से फेयर करता है। तो यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने गेहूं का आटा भी ले लिया है, बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट देने वाला है आपको। आप ज़रूर इसे गाइस मेरे कहने पर ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा। और अगेन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टीस्पून अपना कॉफ़ी पाउडर, ठीक है। तो ये सबको मैंने डाल दिया। और नेक्स्ट यहाँ पे आएगा दही। दही बहुत ही अच्छा एक क्लिंजिंग होता है, आपने देखा होगा कि क्लिंजर्स वगैरह जो हमें मिलते हैं उसमें भी कर्ड और मिल्क का यूज़ होता है उसके अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको, इससे स्किन में जो भी टैनिंग है वो सब रिमूव होगी, वाइटनिंग होगी, लाइटनिंग होगी और ब्राइट स्किन दिखने लगेगी। नेक्स्ट मैंने अगेन यहाँ पे नींबू का रस डाला है। एज़ यूजुअल जो आपको सूट करता है तो आप पूरा उसका हाफ रस लीजिएगा, मैंने यहाँ पे अगेन कम लिया है। तो बस इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें कोई पानी नहीं जाएगा। अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो आप वो डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है। और इसको अच्छे से हम लोग इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैं आपके सामने ही मिक्स कर रही हूँ, उसमें मैं कोई भी एडिशनल अब वाटर या कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ। इसको हम लोग अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और उसके बाद का रिज़ल्ट आप सच में बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो आप बस बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए कि आगे आगे कैसे रिज़ल्ट आने वाले हैं। आगे मैंने इसी वीडियो में अपने फेस पर भी अप्लाई करके दिखाया है आप लोगों को, तो आप लोग डरिए मत। आप लोगों को लग रहा होगा फेक वीडियो है, अरे कुछ नहीं होता क्योंकि हाथों पर लगाया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आगे जाके अपने चेहरे पर भी अप्लाई किया हुआ है, तो इस पर बने रहिए आप लोग। तो देखिए अब ये मेरा बिल्कुल रेडी है और अभी अगेन मैं हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरह से जैसे आप फेस पैक लगाते हैं नॉर्मली, वैसे ही फेस पैक लगाना है। और इसको अच्छे से हम लोग मसाज करेंगे, पहले मसाज कर करके उसके बाद आप फेस पैक अप्लाई कर लीजिए। और उसके बाद इसको 10-15 मिनट्स के लिए आपको छोड़ देना है, जब ये सूख जाएगा तो आपको मसाज करते हुए इसको रिमूव करना है। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने अच्छे से लगा लिया है, मसाज करके अप्लाई कर लिया है। आप और अप्लाई कर सकते हैं बट मैंने अभी यहाँ पे इतना ही अप्लाई किया है, ठीक है। और दूसरे हाथ पे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैंने दूसरे हाथ पे कुछ भी नहीं लगाया है, वो वैसे का वैसा ही है क्योंकि मुझे आपको रिज़ल्ट शो करना था ना, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इसको छोड़ देंगे 10-15 मिनट्स के लिए। तो ये आपको ऐसा दिखने में आ रहा होगा जैसे मुल्तानी मिट्टी का पैक है ना, कलर वैसे ही लग रहा है। जब मैंने मिक्स किया तो मुझे भी वैसे ही कलर लगा था, बट रिज़ल्ट मुल्तानी मिट्टी से भी ज़्यादा अच्छा देने वाला है ये। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको स्क्रब कर करके इस तरह से पानी डाल के स्क्रब करके निकाल रही हूँ, अच्छे से इसको धो लेना है। इसी तरह से आपको रिमूव करना है और जेंटली रिमूव करना है, हल्के हाथों से रिमूव करना है। तो ये देखिए इस तरह से मसाज कर करके मैंने निकाल लिया है इसको अच्छे से, और उसके बाद मैं जाके इसको हैंड वॉश कर लूँगी और फिर आप लोगों को आके मैं अपना रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अच्छे से कर लिया, अब मैं आने वाली हूँ अपने चमकीले हाथों के साथ आपके सामने। तो ये देखिए आपके सामने है रिज़ल्ट, कोई फेक कुछ भी नहीं किया मैंने। ये देखिए आपके सामने ही मैं हैंड वॉश किया, आपके सामने ही मैं इसको वाइप आउट कर रही हूँ। और ये देखिए लग रहे हैं ना हाथ आपको, पहले से आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि ये मेरे हाथ पहले से बेटर लग रहे हैं कि नहीं। मैं आपको पहले वाला हाथ दिखाती हूँ और अभी का हाथ दिखाती हूँ। ये देखिए आप खुद देख सकते हैं कि स्किन टोन क्या फ़र्क आया है एक बार में। और ये आपके सामने का रिज़ल्ट है, इससे पहले मैंने ये अप्लाई नहीं किया था, ये आपके सामने रिज़ल्ट में लाइव रिज़ल्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए खुद देख लीजिए आप लोग क्या फ़र्क आया है एक बार के यूज़ में, है ना मस्त। तो आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अभी मैं आपको चेहरे पर अप्लाई करके दिखाती हूं।
तो देखा आप लोगों ने रिजल्ट, चेहरे पर भी मैंने आप लोगों के सामने अप्लाई करके दिखा दिया, जबकि मेरी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव है। और देखिए आप लोगों के सामने इसने क्या रिजल्ट दिया है, बिल्कुल बहुत अच्छा वर्क करता है ये। आप लोग एक बार इसे ज़रूर 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 इस्तेमाल करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिजल्ट बताइएगा कि कैसा लगा। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ फेस पैक, और इसको भी मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ मैंने पूरे चेहरे पर लगा लिया और उसको 10 मिनट्स के लिए रखेंगे और वॉश कर देंगे। तो देखिए रिजल्ट आप लोगों के सामने है, बिल्कुल लाइट में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर स्किन हो गई है। आप लोग इसको ज़रूर 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 यूज़ करके देखिएगा। मुझे पर्सनली ये रेमेडी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मेरा इसमें कोई भी खर्चा नहीं हुआ, कोई पार्लर जाने का खर्चा नहीं, पार्लर में कोई मनी वेस्टेज नहीं, घर के घरेलू नुस्खे से बिना विदाउट एनी आपको साइड इफ़ेक्ट्स के मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। आप लोग खुद देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए आप कितना मेरा चेहरा निखर गया है पहले से, बिफ़ोर एंड आफ्टर आप ख़ुद देख लीजिए। और आप लोग इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, आप इसको यूज़ कीजिए। और अब तो गर्मियाँ आ गई हैं तो दही नींबू ये सब चीज़ें तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। और मेन इन्ग्रीडियंट इसका था कॉफ़ी पाउडर, जिसका यूज़ आप करके देखिए, आपको ज़रूर से आप लोगों को रिज़ल्ट दिखने वाला है। तो चलिए आई होप आप लोगों को आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी नीचे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और ये अपने फैमिली फ्रेंड और जिनके अभी शादी का सीज़न है, तो शादी हो रही हो या किसी की इंगेजमेंट हो या कुछ भी पार्टी या फंक्शन या कोई भी ओकेजन हो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चलिए मिलती हूं आपको नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, और बने रहिए मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़।